वक्त हमारी मौजूदगी इंदौर शहर के पलासिया स्क्वायर पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त देश के हालात बेहद ख़राब हैं। देश के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके साथ ही नागरिकों को हिदायत दी गई है कि वे लोग अपने घर पर रहें, लेकिन शहर के नागरिक इन नियमों को ताक पर रख कर रोड पर निकल रहे हैं और इस बीमारी को नज़रअंदाज कर रहे हैं और एक नमूना पेश कर रहे हैं लापरवाही का कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन सुबह से मुस्तैद है लेकिन इसके बावजूद नागरिक उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। चलिए यहाँ मौजूद आला अधिकारियों से बात करते हैं कि उन्हें किस तरह के आदेश दिए गए हैं और नागरिक उनका पालन कर रहे हैं या नहीं। आज पहला दिन रहा है, किस तरह से प्रशासन मुस्तैद रहा और नागरिक नियमों का पालन करा या नहीं। अभी कलेक्टर महोदय और हमारे DIG महोदय के आदेशानुसार वर्तमान में कोरोना जो महामारी फैली हुई उसको देखते हुए लॉकडाउन किया गया था, लेकिन लोगों ने 144 को उतनी तरह से पालन नहीं किया, इसलिए आज सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके अलावा सभी को बंद कर दिया गया है, इसलिए सभी को चेक किया जा रहा है और कल से और सख्ती की जाएगी। इस संबंध में 34 गाड़ियों की जब्त भी की गई है। सर, नागरिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में प्रशासन किस तरह की सख्ती अपना रहा है? आज हम लोग आवश्यक सेवाओं में छूट दे रहे हैं, कल भी आवश्यक सेवाओं में छूट देंगे। अगर उसके बाद नहीं मानेंगे तो उससे बड़ी कार्रवाइयाँ वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसको लेकर आज कितनी गाड़ियाँ जब्त की गई और क्या क्या कार्रवाई की और आने वाले वक्त में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई देखने को मिली? अभी अगर नहीं मानेंगे, इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को अरेस्ट किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, जो भी लीगल एक्शन होंगे सारे लिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रशासन के आला अधिकारी सुबह से ही मुस्तैद नजर आए हैं, लेकिन शहर के नागरिक इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर अपनी जान को जोखिम में डालकर रोड पर निकल रहे हैं। इससे आने वाले वक्त में देश को और शहर को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही यदि हालात रहे तो हमें और सख्ती बरतनी होगी, प्रशासन को और सख्ती से काम लेना होगा। और जैसा कि प्रशासन के आला अधिकारियों ने बताया भी है कि आने वाले वक्त में यदि नागरिक नहीं माने तो और ज़्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी। और जो आवश्यक चीज़ों के लिए अभी मंजूरी दी गई है, लोग बाहर निकल रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में वो भी ना हो। कैमरामैन योगेश नीम के साथ राहुल मौर्य, JSR टाइम।